श्री हरिहर हॉस्पिटल। देखो पिछले 5-6 वर्षों में भुंतर से लेके कुल्लू तक जहाँ तक मुझे ज्ञान है या जहाँ तक मुझे मालूम है, कम से कम 15 एक्सीडेंट ऐसे हो चुके हैं जो हमारे 15 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि जिस प्रकार से PWD रेस्ट हाउस माहौल से लेकर के माहौल तक जो फुटपाथ बन रहा है और PWD वर्कशॉप के पास जो पहले से निर्मित है, इसी प्रकार से कुल्लू तक बनना चाहिए। क्योंकि गांधीनगर का एरिया जो है वो बहुत पॉश इलाका है, वहाँ पे कंपनियों की एजेंसीज हैं, तो लोगों को चलने में असुविधा होती है। तो इसलिए विभाग से, सरकार से मेरी निवेदन रहेगी कि इस फुटपाथ को कुल्लू से भुंतर तक बनाया जाए, ताकि आम जनमानस को, पर्यटकों को, बच्चों को, बूढ़ों को और हमारी माताओं बहनों को चलने में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। उससे बड़ी समस्या है जो लोग हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें हैं वो पैदल चलते हैं, उनके लिए यहाँ पर ना तो फुटपाथ की व्यवस्था है। कुल्लू से भुंतर तक ऐसा माना गया है कि कुल्लू से भुंतर के बीच में बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ पर फुटपाथ है। हालांकि अभी कुछ फुटपाथ बन भी रहे हैं लेकिन उनकी चौड़ाई बहुत कम रखी गई है, वह दो आदमी मिलकर चल नहीं सकते। और मैं तो सरकार से, प्रशासन से ये निवेदन करूँगा कि तकरीबन कम से कम कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ हो जो हमारे सीनियर सिटीजन के लिए एवं चलने की व्यवस्था रहे, सड़क पे गाड़ियों की व्यवस्था उचित रूप पे हो। पार्किंग जितनी बन रही है वो काफ़ी कम है क्योंकि गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो कुल्लू और भुंतर के बीच में ये जो फुटपाथ है ये पूरे तरह से चौड़ाई के हिसाब से पूरे चौड़े भी होने चाहिए और सुरक्षा के हिसाब से भी ये पूरी तरह सही नियमों से होने चाहिए। मैं कुल्लू अपडेट के सुनने से मैं कहना चाहूँगा स्थानीय प्रशासन को कि फुटपाथ जो पेडेस्ट्रियंस के लिए वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप देखेंगे कि पिछले कई वर्षों से सड़कों की चौड़ाई वही है, सड़कें वही हैं बिल्कुल, और ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है और जिससे कि जो पैदल लोग अपना चलते हैं उनको बहुत मुश्किल आती है। तो इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को चाहिए कि सड़क के दोनों ओर आप, या जैसा भी संभव हो सके एज पर डिज़ाइन, आप पेडेस्ट्रियंस के लिए ज़रूर फुटपाथ का निर्माण करें। और साथ ही साथ मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आप जो भी लोग डिज़ाइन वर्क इसमें करते हैं फुटपाथ के लिए, वो जो दिव्यांग लोग जो हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए, डिसेबल्स पर्सन्स को भी ध्यान में रखते हुए इस तरीके के फुटपाथ का निर्माण करें कि जिसमें कि सब लोग आसानी से चल सकें।